नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाएंगे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक। शुरू करते हैं आज का। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाएंगे परिषदीय विद्यालय के शिक्षक। ये बनारस से न्यूज है। परिषदीय विद्यालय विद्यालयों में नए सत्र से आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे पढ़ाए करेंगे। इन्हें निजी स्कूल की तर्ज पर भी प्री प्राइमरी नर्सरी कक्षाओं में लिया जाएगा। इसके लिए ज़िले के 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग व डाइट द्वारा दीपावली बाद इन शिक्षकों के प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। ये 1 नवंबर की प्राइमरी का मास्टर डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ चैनल से है साथियों। और ये खबर आ रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएँ बनाने के लिए तैयारी है। इसके लिए अलग अलग चरणों में विद्यालयों का चयन होगा। इसमें आंगनवाड़ी के बच्चों को इन विद्यालयों में स्थानांतरित कर साथियों और भी बताएंगे हम आपको खास खबरें। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ शिक्षा विभाग की इस खास खबर को जानने के लिए। साथियों, यहाँ पर एक आदेश शिक्षा विभाग का आया हुआ है। और इसके बाद और बताना चाहेंगे आपको, आज 1 नवंबर है और मीटिंग चल रही है सरकार की, और उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा अनुदेशक और शिक्षा में संविदा कर्मियों के भविष्य को लेकर, हम अपने चैनल्स के माध्यम से जल्द आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे साथियों। और आप जैसा कि जानते हो, हमारे चैनल पर जो सत्य की कसौटी पर खरी उतरती न्यूज़, वही हम दिखाते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे चैनल से ज़्यादा हमारे भाई बहनों को, शिक्षक भाई बहनों को, अनुशक शिक्षा मित्र भाई बहनों को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी अपनी हर अपडेट को जान सकें शिक्षा विभाग की। एक और खबर हम लेना चाहेंगे यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से। चंद्रशेखर आज़ाद का ट्विटर हैंडल है। और 69,000 शिक्षक भर्ती, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, इन्होंने आरोप लगाया सरकार। आरक्षण के बाद की गई इस डकैती ने 1,000 छात्रों को सड़क पर ला दिया। 100 से ज़्यादा दिन हो गए छात्रों का आंदोलन जारी। सरकार छात्रों की पीड़ा समझ नहीं रही है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।